Good morning, student. Today we will discuss the next topic of fourth unit. As you know that we are the part of SIRTE Excellence, Sagar Institute of Research and Technology Excellence, and we are also belonging to the SAGE group. Now next topic is the testing technique. As we have seen in previous lectures, there's the level of testing is 4 level of testing. Unit testing means code testing. We will test the each and every code of function and module. After that, we will integrate them. We'll do the design or integration testing. After that, we will validate it. It is the software is prepared for the requirement of a customer or not. That is validation testing. And after that, we will do the system testing, the hardware, software, humanware, and database combination coordinating or not. Now, after that, first we will see the unit code testing. Unit code testing, what are the techniques of unit code testing? There are two techniques, white box and black box testing. In white box testing, we will see the logical paths and each and every internal part, we can say, each operations of the unit code or coding. Jo modules mein code hote hain, unko ek ek instruction ko test kiya jata hai, that is unit white box testing. And in black box testing, we will see the fully operational function is working properly or not, is calling or not, missing either, ya ek dusre ke saath interface kar rahe hain ya nahi kar rahe hain. That is the black box testing. Means functions ko upar se jab hum test kar rahe hain, तो वो ब्लैक बॉक्स, और उसको अंदर से पूरा अंदर से कोडिंग टेस्ट कर रहे हैं, इट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग. द फर्स्ट वी विल सी द वाइट बॉक्स टेस्टिंग. वाइट बॉक्स टेस्टिंग मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच पार्ट टेस्टिंग इज नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग. इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग द फर्स्ट टेस्टिंग विल बी डन इज द बेसिक पार्ट टेस्टिंग. इन दिस टेस्ट केस एक्सरसाइज द बेसिक सेट आर गारंटी टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट इन प्रोग्राम एट लीस्ट वन टाइम ड्यूरिंग द टेस्टिंग. कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करना है, दैट इज बेसिक पाथ टेस्टिंग. आफ्टर दैट द सेकेंड मैथड इज फ्लो ग्राफ टेस्टिंग. हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट या कोड के थ्रू फ्लो ग्राफ बनाते हैं इस तरह से, एंड उसमें हम ये चेक करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ बने हुए हैं जो सिर्फ अपने आप में चल रहे हैं. जैसे यहाँ पे 0, 1 and 11 इज वन पाथ, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 and 11 is two path. Like this, the what is flow graph? Flow graph, circle of a graph represent the node which stand for the sequence one or more procedural statement. ये जितने भी nodes हैं circle में बने हुए हैं जो sequence कोई instruction बता रहे हैं. If यही conditional statement बताना चाहते हैं, that is predicate node having two edges. ये जो दिख रहा है यहाँ पे जिस तरह से दिस इज डायमंड, तो वी विल राइट हियर इन फ्लो ग्राफ इज टू एजेस सर्कल विच शोज द कंडीशन और नोन एज द प्रेडिकेट नोड्स. आफ्टर दैट एज, जो एजेस हैं इसमें जो इनके लिंक्स बता रही हैं या फ्लो बता रही हैं, एंड आफ्टर दैट द एरिया बाउंडेड बाय द एजेस, एरिया बाउंडेड बार एंड काउंटिंग. वेन काउंटिंग रीजन बाउंडेड बाद एजेस जो होते हैं और नोड्स होते हैं उनको कहते हैं रीजन, और जो काउंटिंग के बाद बाहर का एरिया भी एक रीजन कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह से काउंटिंग हुआ है, एक रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन एंड चौथा रीजन आउटसाइड. नाउ वी हैव सीन फ्लो चार्ट से कैसे बन रहा है फ्लो ग्राफ. नोड्स शोज इंस्ट्रक्शन. आफ्टर दैट डबल एजेस है, मीन्स इट इज शोइंग द कंडीशनल स्टेटमेंट और प्रेडिकेट नोड्स कहते हैं इनको. ये जो फ्लो लाइंस दिखाई दे रही है जो बता रही है, दीज आर द फ्लो ऑफ ग्राफ. इनकी मदद से हम क्या बना रहे हैं, वी आर मेकिंग फ्लो ग्राफ्स. नाउ वी विल फाइंड आउट द इंडिपेंडेंट पाथ फ्रॉम दिस. इंडिपेंडेंट पाथ प्रोग्राम फ्लो कैसे निकाला जाएगा, मस्ट मूव अलोंग एटलीस्ट वन एज एंड दैट नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर बाय द प्रीवियस पाथ. द बेसिक पाथ डिफाइंड
प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट नोट टिल द एंड नोट, हाउ मेनी टाइम्स ऐसा हो रहा है? तो स्टार्ट नोट से, स्टार्ट नोट इज जीरो और एंड नोट इज 11, तो 0 1 11 में आए एक पाथ, 0 1 2 3 6 7 9 10 एंड 1 एंड 11 इज सेकेंड पाथ, 0 1 2 3 6 8 में आ गए 9 10 एंड 1 एंड 11 इज थर्ड पाथ, 0 1 2 3 4 5 10 एंड 1 इज द फोर्थ पाथ. इतने पाथ बन गए यहाँ पे, फोर पाथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 0 1 2 3 6 9 10 11 यहाँ पे देखा था आपने, 0 1 2 3 6 8 9 11 8 9 10 1 11. तो हम कितने इंडिपेंडेंट पाथ है वो निकाल लेंगे. हम इसको कर क्यों रहे हैं, ताकि हम टेस्ट प्लान कर सकें कि कितने पाथ हैं जो हमें टेस्ट करने हैं. आफ्टर दैट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स यूज टू इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम. इट इज अ क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लीनियरिटी इंडिपेंडेंट पाथ्स थ्रू द प्रोग्राम सोर्स. कितने नंबर ऑफ पाथ है लीनियरली हम निकाल रहे हैं वो कहलाती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइड क्वान्टिटेटिव मेजर ऑफ लॉजिकल complexity of a program can be computed in three ways. Complexity तीन तरह से निकाल सकते हैं. Number of reasons, how many reasons थे वहाँ पे, four reasons थे. Now how many edges थी and how many nodes थे. कितनी edges थी वहाँ, 14 edges थी and 12 nodes थे. ये कितनी edges, 0 1 2, 0 से start होके 11 तक आ रहे means 12 nodes हो गए. और edges देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गई एक 13 और ये हो गई 14 एजेस हो गई. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 14 एजेस माइनस 12 नोड्स प्लस 2 इज 4, प्रेडिकेट कितने नोड्स हैं, 3 प्लस 1 4, ऑल आर 3, इट मींस वी आर डूइंग द राइट थिंग. अब इनको ध्यान में रखते हुए, आफ्टर दैट व्हेन वी ड्रॉ अ फ्लो ग्राफ डिटरमाइन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड देन वी डिटरमाइन द इंडिपेंडेंट पाथ एंड देन वी प्रिपेयर द टेस्ट केस दैट विल फोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ ऑन द बेसिक सेट. और उसके थ्रू हम प्लान करके टेस्टिंग करते हैं. यहाँ पे कोड के थ्रू भी इसी तरह फ्लो ग्राफ बनाया है. थर्ड स्टेटमेंट से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, ये जो है फंक्शन का पार्ट है और ये भी फंक्शन का पार्ट है. यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया बिकॉज सीक्वेंस में है. फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो इन अ सीक्वेंस, फिफ्थ स्टेटमेंट आल्सो इन सीक्वेंस. आफ्टर दैट सिक्स स्टेटमेंट में हमने इफ लिखा है, मीन्स यहाँ क्या बनाने वाले हैं हम, इस तरह का प्रेडिकेट नोड बनाने वाले हैं डबल लाइन का, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है. इसमें लिखा है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 999 देन 7 पे जाना है, मींस वैल्यू ट्रू है तो 7 पे चले गए और वैल्यू फॉल्स है तो हम 8 पे चले गए. यहाँ 8 पे आ गए, 7 पे या 8 पे. आफ्टर दैट 8 में फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट है, देन अगेन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और प्रेडिकेट नोड बना रहे हैं. नाउ यहाँ पे एक कंडीशन है, एक्स मॉड 11 इक्वल्स टू 0 है तो गो टू बी पे जाना है. 9 पे आए एंड वेर इज गो टू बी, 11 यहाँ आना है. 9 पे यदि हम आ रहे हैं तो हमें सीधा कहाँ जंप करना है, 11 पे जंप कर जाना है. इफ कंडीशन इज फॉल्स है देन गो टू ए, 10th में क्या लिखा है, गो टू ए. तो फॉल्स कंडीशन में हम 10th पे आएंगे और गो टू ए मतलब 5 पे चले जाएंगे, तो हम यहाँ से 5 पे चले जा रहे हैं. अब यदि हम यहाँ पे 11 पे आ गए हैं, बी पे चल जब जंप किए, यहाँ लिखा है इफ अगेन एक प्रेडिकेट नोड बना है और यहाँ लिखा है एक्स मॉड वाई इक्वल्स टू जीरो. इफ कंडीशन इज ट्रू तो हम 12 पे आएंगे जहाँ लिखा है गो टू सी, 12 से कहाँ चले जाएंगे, 14 पे. तो यहाँ देखो हम 12 पे आए और गो टू 14 चले गए. 14 के बाद यहाँ क्या लिखा है, गो टू ए, ए मीन्स 15 में क्या लिखा है, ए मतलब 5 पे चले जाए. तो हम क्या हुआ, 12 पे आए, 14 पर आए जहाँ लिखा है गो टू 15 और 15 में क्या लिखा है, गो टू ए मीन्स हम 5 पे चले गए. अब यहाँ पे फिर से हम वापस आते हैं 6 में,
जहाँ पे हमने लिखा था कि यदि कंडीशन ट्रू है तो डी में चले जाना है। तो हम डी में चले गए थे 7 पे। डी में जब हम जंप करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 16th पे। तो 7 से हम कहाँ पहुँच गए, 16th पे, और 16th के बाद 17th पे जहाँ लिखा है रिटर्न 0। यहाँ प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हमने क्या बनाया, सोर्स कोड के थ्रू एक फ्लो ग्राफ बनाया है जहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो आई थिंक 15 नोड्स हैं एंड 17 एजेस हैं। वहाँ पे यहाँ पे भी वही 4 रीजन बन रहे हैं। एक रीजन ये बन रहा है, दूसरा रीजन ये बन रहा है, एंड तीसरा रीजन ये बन रहा है, और फोर्थ रीजन इज ये बन रहा है। इस तरह से हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, इंडिपेंडेंट पाथ निकालते हैं, वो ग्राफ का एज और नोड का कॉम्बिनेशन करके निकालते हैं और उसको हिसाब से टेस्ट प्लान करते हैं। नाउ टेस्टिंग ऑफ लूप्स थर्ड होता है। लूप्स में हम बहुत सारी चीजें टेस्ट करते हैं, या तो लूप के अंदर ही नहीं घुसते क्योंकि पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन स्किप लूप एंटायरली, या सिर्फ वन टाइम लूप चलता है। जो डू वाला लूप होता है वो वन टाइम भी चलता है कई बार। डू में हमने एंटर किया बट कंडीशन फॉल्स हो गई तो दोबारा हम वहाँ नहीं आए। टू पासिस लूप भी हो सकता है, एंड एम पासिस मीन्स एम तक पास करते करते लूप भी हो सकता है। लूप नेस्टेड लूप भी टेस्ट होते हैं। इनर मोस्ट लूप को पहले टेस्ट करेंगे, देन आउटर मोस्ट लूप टेस्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट टेस्टिंग ऑफ कॉनकेटेनेशन, यानी दो लूप को प्लस करके जोड़कर यदि हम चला रहे हैं तो वैसे भी हम लूप चला टेस्ट करेंगे। एंड जैसे कि हम दो मैट्रिक्स का जब एडिशन कर रहे होते हैं तो वन मैट्रिक्स और टू मैट्रिक्स दोनों में हम क्या कर रहे हैं, नंबर को इनपुट करते समय लूप चलाते हैं, इन इन सीन ए ऑफ आई एंड सीन बी ऑफ आई दोनों कॉनकेटिनेशन में साथ साथ चल रहे हैं, या हम दो स्ट्रिंग को जोड़कर कुछ कॉनकेटिनेट कर रहे हैं। तो दो लूप को जोड़ के तीसरे लूप पे प्लस करके आ रहा है, या कोई अनस्ट्रक्चर्ड लूप चला रहे हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो इफ एल्स से चल रहा है या डू एल्ड वाइल टू कंटिन्यू चल रहा है, जब तक हम चाहें चलाएं, जब तक हम ना चाहें खत्म कर सकते हैं उसको। आफ्टर दिस वी हैव फिनिश्ड वाइट बॉक्स टेस्टिंग विच इज कोड टेस्टिंग, जिसके अंदर इंटरनली ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को टेस्ट किया जाता है। नाउ वी विल सी, नाउ थैंक यू, वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग विच इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगेन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वी आर बिलोंगिंग टू द SIRTE एंड सेज यूनिवर्सिटी। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।